आशीष पांडे द मोटिवेशनल गुरु आपके अपने शो एंजल्स टॉक शो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उन स्टूडेंट्स की क्वेरी को सॉल्व करने के लिए कोशिश करूंगा जो काउंसलिंग सेशंस में ये क्वेश्चन करते हैं कि आफ्टर ट्वेल्थ उनको क्या करना चाहिए, BCA या BTech। इन BCA और BTech में से कौन सा कोर्स ऐसा है जो कि बेस्ट है, तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि कौन सा कोर्स स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, उनके करियर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी को लेके आता है और किस में सबसे ज़्यादा अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। तो आइए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, BCA 3 इयर्स का प्रोग्राम है और BTech 4 इयर्स का प्रोग्राम है। BCA की जो फुल फॉर्म है वो बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, जबकि BTech की फुल फॉर्म बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी है। BCA के अंदर टोटल 6 सेमिस्टर्स होते हैं जो कि आपको 3 साल में कंप्लीट करने होते हैं, जबकि BTech में टोटल 8 सेमिस्टर्स होते हैं जो कि आपको 4 साल में कंप्लीट करने होते हैं। BCA करने के बाद में आप MCA में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। सेकेंड ईयर में आपके पास में एक ऑप्शन होता है कि आप डायरेक्ट MCA के अंदर सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री में आप एडमिशन ले सकते हैं, जबकि BTech करने के बाद में ये आपके पास में ऑप्शनल रहता है कि आप MTech करें या उसके साथ साथ मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट्स BTech करने के बाद में MBA का भी ऑप्शन चूज कर लेते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप BTech करने के बाद में MBA करते हैं या MTech करते हैं, जबकि BCA करने के बाद में आप MCA में डायरेक्ट एडमिशन सेकेंड ईयर में भी ले सकते हैं और MCA 3 इयर्स प्रोग्राम में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, BCA करने के बाद में जॉब आजकल कंपनीज में बहुत अच्छे पैकेजेस पे BCA करने के बाद में भी मिल रही है और स्टूडेंट्स BCA करने के बाद में कंपनीज के अंदर प्लेसमेंट हो भी रहा है। तो ये भी आपके लिए एक ऑप्शनल रहता है कि आप MCA करें या आप MCA नहीं भी करें। अगर आप MCA करते हैं तो BCA लेटरल एंट्री में आपके लिए ऑप्शन एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा और BTech करने के बाद में ये आपके ऊपर ऑप्शनल रहता है कि आप MTech या MBA चूज करें या ना करें। आजकल कंपनीज में BTech और BCA दोनों की ही डिमांड है और मार्केट में कंपनीज में काफ़ी जॉब्स निकली हुई हैं और BCA और BTech दोनों ही स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिल रहा है और काफ़ी अच्छे पैकेज पर मिल रहा है। तो यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि हमारी चॉइस क्या है। दोस्तों, कोई भी कोर्स छोटा या बड़ा नहीं होता है, कोई भी कोर्स अच्छा या बुरा नहीं होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं और फिर उस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद में आप उस कोर्स में कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये सब कुछ स्टूडेंट्स के कैलिबर के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कंपनीज में किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। ये आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके कैलिबर के ऊपर डिपेंड करता है। तो कोर्स आप कोई सा भी ज्वाइन करें, BCA या BTech, ऑप्शंस दोनों में ही आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो BCA में एडमिशन लेने के लिए आपके पास में 10th में मैथमेटिक्स होना चाहिए और कहीं कहीं किसी किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा भी देखा गया है कि 12th में मैथमेटिक्स कंपलसरी भी मांगते हैं, जबकि BTech में एडमिशन लेने के लिए आपके पास में 12th में PCM होना चाहिए और दोनों ही कोर्सेज में चाहे वो BCA हो चाहे BTech हो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया जो रखा हुआ है वो 45% का रखा हुआ है। तो एडमिशन दोनों ही कोर्सेज में 45% मिनिमम परसेंटेज पर एडमिशन हो जाता है। BCA और BTech दोनों ही कोर्सेज में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है। कहीं कहीं किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी होता है। आप BTech के लिए AIEEE का एग्ज़ाम भी देकर आप IITs, NITs में आप अप्लाई कर सकते हैं BTech करने के लिए, और BCA के लिए आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है आप उसमें एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद में आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होते हैं। तो ये सारा का सारा क्राइटेरिया होता है एडमिशन के लिए कितनी परसेंटेज मिनिमम होनी चाहिए। दोस्तों, BCA जो है ये कंप्यूटर एप्लीकेशन बेस्ड कोर्स है जिसके अंदर आपके 6 सेमिस्टर्स होते हैं और उसमें आपको कंप्यूटर कोर्सेज के अलावा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आपको मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स और आपको मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जबकि BTech में कई सारी स्ट्रीम्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल,
मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी, एरोनॉटिक्स, है ना, इस तरीके की कई सारी ब्रांचेज होती हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। बीसीए के अंदर आपके पास में कई सारे सिलेबस आपको पढ़ने होंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, और बीटेक में आपके ये सारी की सारी जो स्ट्रीम जो आपको मैंने अभी बताई हैं, जो आप स्ट्रीम चूज करते हैं उससे रिलेटेड कोर्सेज होते हैं। उसके अलावा मैथमेटिक्स उस बीटेक में भी होता है, मैनेजमेंट के कोर्सेज भी होते हैं, तो ये सारा का सारा सिलेबस जो होता है ये बीटेक और बीसीए में रहता है। अगर हम यहाँ पर फीस की बात करें तो BCA की जो स्टार्टिंग फीस जो होती है वो 30,000 से लेके अप टू 1,50,000 तक की इसकी फीस है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उनकी फीस है। जबकि बीटेक की अगर हम बात करते हैं तो बीटेक की फीस स्टार्टिंग फीस जो होती है वो 85,000 से लेके आपकी 1,75,000 तक अक्रॉस देखी गई है, जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वहाँ पर उनकी फीस होती है। फ्रेंड्स, BCA आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बेस्ड कोर्स है जिसमें आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। सबसे ज़्यादा फोकस जो रहता है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ऊपर रहता है। इसमें कई सारी टेक्नोलॉजीज इसमें आपको पढ़ाई जाती हैं, आपको सीखनी चाहिए, जिसमें C++, जावा, डेटाबेस, .NET, पाइथन, एंड्रॉयड, PHP, ये सारी टेक्नोलॉजीज आजकल मार्केट में हैं और काफ़ी ज़्यादा डिमांड में हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज आपको BCA के अंदर लर्न करनी चाहिए। जबकि BTech में जो मेन फोकस होता है वो आपकी सिलेक्टेड स्ट्रीम्स में टेक्निकली आपको पढ़ाया जाता है, उनकी डीप नॉलेज आपको दी जाती है और आपको काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग स्टैंडर्ड है, हर एक का अपना अलग अलग पैरामीटर है, और अगर आप उन पैरामीटर्स पर आप खड़े उतरते हैं तो आपके प्लेसमेंट को कोई भी नहीं रोक सकता है। आपको हर एक कोर्स को, चाहे आप BCA करें चाहे आप BTech करें, आप अपना 100% दीजिए। आप उन कोर्सेज में आप अपनी खूब मेहनत करिए, खूब जान लगा के मेहनत करिए, तो आपको प्लेसमेंट भी अच्छा मिलता है और आपका करियर भी काफ़ी अच्छा बनता है। अगर हम प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो BCA का जो स्टार्टिंग सैलरी पैकेज जो रहता है ये 2.5 लाख रुपए से स्टार्टिंग होती है, और ये आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाता है, और देखा गया है कि अप टू 6 to 7 लाख रुपीज़ तक स्टूडेंट्स को प्रोवाइड हुए हैं, कंपनीज ने अपने यहाँ स्टूडेंट्स को पैकेज दिया हुआ है। जबकि बीटेक में अगर हम बात करते हैं तो बीटेक में भी सेम लगभग सेम क्राइटेरिया रहता है, वहाँ पर भी स्टार्टिंग पैकेज जो होता है 3 से 3.5 लाख रुपये होता है और अप टू 8 लाख रुपीज़ तक वहाँ पर आपको पैकेज मिलता है। तो अब यहाँ पर पैकेज की भी कंपैरिजन हो गई कि आप, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों के दोनों ही कोर्सेज आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांड में हैं। BCA का बहुत ज़्यादा क्रेज है स्टूडेंट्स के बीच में, वहीं पर BTech स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा फेवरेट स्ट्रीम मानी जाती है। IT करियर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट करियर होता है यहाँ पर, और स्टूडेंट्स 12th करने के बाद में सबसे ज़्यादा प्रिफ्रेंस जो देते हैं वो देते हैं। और अब अगर हम आगे ये देखते हैं कि BCA करने के साथ में हम आगे ऑप्शनल अगर पढ़ाई भी करना चाहते हैं तो आप MCA में भी एडमिशन ले सकते हैं, जबकि BTech करने के बाद में आपके पास में चॉइस रहती है कि आप MTech करें या MBA करें। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई भी कोर्स छोटा नहीं है, कोई भी कोर्स बड़ा नहीं है, कोई भी कोर्स अच्छा नहीं है, कोई भी कोर्स बुरा नहीं है। सब कुछ डिपेंड करता है आपके कैलिबर के ऊपर कि आप उस कोर्स में कितनी मेहनत करते हैं, कितनी तल्लीनता के साथ में आप उस कोर्स को कंप्लीट करते हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी करते हैं और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करिए, आप काबिल बनिए, तो दोस्तों देखिएगा सफलता आपके पीछे पीछे ज़रूर आएगी। तो कोई भी कोर्स यहाँ पर छोटा नहीं है, कोई भी कोर्स बुरा नहीं है, चाहे BCA हो चाहे BTech हो, दोनों ही कोर्सेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी एकेडमिक कैरियर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी तरीके से उस कोर्स को पढ़ते हैं और कितनी अच्छी तरीके से उसमें अपना कैरियर बनाते हैं, कितनी अच्छी परसेंटेज आप लेके आते हैं, ये सब कुछ डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो कोई भी कोर्स चुनिए, चाहे BCA चुनिए चाहे BTech चुनिए, आपको 100% सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप काबिल होंगे। आप काबिल बनिए, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। अपने ऊपर ये देखा गया है कि कई बार ऐसा भी होता है कि BTech वाला बंदा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी ना होने के कारण उसको कहीं प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है, उसको अगर प्लेसमेंट मिला भी है तो उसकी कम सैलरी है,
वहीं पर अगर बीसीए का कोई कैंडिडेट है उसकी प्रोग्रामिंग स्किल काफ़ी अच्छी है तो कंपनीज ने उसको प्लेसमेंट भी देना है और उसके साथ साथ उसकी प्रोग्रामिंग स्किल्स को देखते हुए उसका पैकेज भी काफ़ी अच्छा दिया जाता है। तो यहाँ पर कंपैरिजन दोनों कोर्सेज की कोई भी कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पर कोई भी किसी से कोई कोर्स कम नहीं है, चाहे बीसीए की हम बात करें चाहे बीटेक की बात करें, दोनों ही कोर्सेज काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं। और सब कुछ डिपेंड, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, सब कुछ डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। दोस्तों, एट लास्ट मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि दोनों ही कोर्सेज बहुत बेस्ट हैं, दोनों में ही बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं, दोनों में ही बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस हैं, दोनों में ही सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर कंपेरिजन बिल्कुल भी ना करें, BCA, BTEC दोनों ही कोर्सेज बहुत बेस्ट हैं। अब आप अपने ऊपर देखें कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। आप BCA अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप BCA के लिए जाएं, और अगर आपको BTEC अच्छा लगता है तो यू कैन गो फॉर BTEC। यहाँ पर कंपैरिजन किसी भी चीज़ का नहीं है, दोनों ही कोर्सेज बहुत अच्छे हैं। बस एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि चाहे आप BTEC करें चाहे आप BCA करें, मेहनत आपको करनी है, प्रोग्रेस आपकी होनी है, कैरियर आपका बनना है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलनी है। तो इसलिए आप जो भी कुछ चूज करें बड़ा सोच समझ के चूज करिए। दोनों ही कोर्सेज में कैरियर ऑप्शंस की अपॉर्चुनिटीज की बहुत अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में लगी हुई बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि हमारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।